In that we have to study about the chemical property compound. Chemical properties of compound. We know the physical properties of carbon. And in that part we have to study various allotropic forms, allotropic and amorphous forms. Two forms may exist. Allotropic forms of carbon, diabond, fullerene, okay, graphite. These are the allotropic forms of carbon. Then amorphous forms of carbon. Carbon ke amorphous form coal, coke, and charcoal. These are the amorphous forms of carbon. ये सभी physical properties हैं. आज के इस class में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है. तो कार्बन देयर आर वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, देन इथिल अल्कोहल, देन इथेनोइक एसिड्स, अल्केन एंड अल्काइन्स. तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन कोई भी कार्बन कंपाउंड है कंबशन इसका अर्थ होता है जलाना. कंबशन इसका अर्थ क्या होता है जलाना. मेरी आवाज आ रही सबके पास? यस सर. ओके. कंबशन मीन जलाना. अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी बर्न्स द कार्बन कंपाउंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट देयर आर टू कंडीशंस. इफ सफिशियंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन कार्बन गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट. And if there is the less availability of oxygen, it gives the another compound. यानी कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी तरह से है, ऑक्सीजन सफिशियंट अवेलेबल है, तो कार्बन कंपाउंड जब बर्न होते हैं तो इनके प्रोडक्ट अलग होते हैं. और जब कार्बन कंपाउंड्स को जलाने के लिए ऑक्सीजन कम होता है तो इसके प्रोडक्ट अलग होते हैं. तो पहले आप इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देख लेंगे. Combustion is the burning of a substance in the presence of oxygen, accompanied by the release of energy in the form of heat or light or both. All carbon compounds burn in oxygen to produce carbon dioxide, heat, and light. For example, methane burns in oxygen to give carbon dioxide, water, heat, and light. A matchstick catches fire only when it is rubbed against a surface. The friction produced by rubbing generates heat. Once the ignition temperature is reached, the matchstick begins to burn. Similarly, simply mixing methane with air will not cause methane to burn. Some energy is needed to ensure that the fuel reaches its ignition temperature, which in turn will trigger the combustion reaction. This ignition is provided initially by another flame, a spark or a hot surface. So yahan pe kya samajh mein hai? We know that the methane is the gas or the butane is the gas in the cylinder. Hamare ghar mein jo cylinder hai isme butane aur propane ye do gas hote hain.
और बायोगैस में जो गैस बाहर निकलता है उसमें गैस जो होती है, बायोगैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन। मीथेन। वेरी गुड। अब ये मीथेन और ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन से, इट इज इन गैसियस स्टेट एंड दे आर कम्बस्टिबल, दे आर कम्बस्टिबल। लेकिन ऐसा नहीं कि मीथेन गैस को अगर हवा में छोड़ेंगे तो बर्न हो जाएगा। फर्स्ट वी रिक्वायर टू इग्नाइट इट, फर्स्ट वी रिक्वायर टू इग्नाइट इट। तो इसके इग्निशन टेम्परेचर के लिए पहले हमें लाइटर जलाना पड़ता है या मैस्टिक जलानी पड़ती है, उसके बाद ही ये गैस बर्न होता है। जैसे कि हम हमारी गाड़ी चलाते हैं, बराबर है, फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, टू व्हीलर को हम क्या करते हैं, किक मारते हैं। तो किक मारने की वजह से क्या होता है, वहां पे स्पार्क होता है, बराबर है। तो स्पार्क होने की वजह से जैसे हम गैस को जलाते हैं, उसी तरह से स्पार्किंग की वजह से पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर रीच होता है और पेट्रोल जलने लगता है, उससे फिर एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसी तरह से हम किसी भी गैस को जला रहे हैं तो उसके इग्निशन टेम्परेचर को हमें रीच करने के लिए पहले हमें wonder why a candle burns with a yellow sooty flame and why the cooking gas burns with a thin blue flame. This happens due to partial combustion and complete combustion, respectively. अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस है। यहाँ पे जो गैस आपको दिख रहा है इसकी फ्लेम ब्लू कलर की है और ये जो कैंडल है इसकी फ्लेम येलो कलर की है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? व्हेन द कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स कंप्लीटली इट गिव्स अ ब्लू फ्लेम एंड इफ देयर इज अ पार्शियल बर्निंग इट गिव्स अ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का अर्थ क्या है? यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रहा है, इट इज अ पार्शियल बर्निंग, इट गेट्स अ लेस ऑक्सीजन सप्लाई। और यहाँ पे जो हम ब्लू फ्लेम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का कंप्लीट कम्बशन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम एंड दिस येलो फ्लेम इज अ स्मॉल फ्लेम। ओके, Let's now look at what is meant by partial combustion and complete combustion. Burns completely in oxygen to produce carbon dioxide and water as byproducts. Cooking gas is made up of saturated hydrocarbons. These hydrocarbons burn completely to produce a clean blue flame. Incomplete or partial combustion occurs when there isn't enough oxygen and the fuel does not react completely with the oxygen. Candle is made up of unsaturated hydrocarbons. These hydrocarbons do not burn completely and will therefore produce a yellow sooty flame that contains unburnt carbon particles. By limiting the supply of air, even saturated hydrocarbons will burn with a yellow sooty flame due to partial combustion. Partial combustion produces. You have just learned about the properties exhibited by carbon compounds on combustion. Can you answer these questions? What is combustion? What is an exothermic reaction? What kind of a flame is produced when unsaturated hydrocarbons are burnt? What happens to the flame on a gas burner when the supply of air is limited? अभी यहाँ पे चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन के आंसर देने। व्हाट इज कंबशन? कैन एनीबॉडी टेल द आंसर? व्हाट इज कंबशन? बर्निंग। बर्निंग इज द कंबशन एंड इन केमिस्ट्री यू कैन गिव द आंसर द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद ऑक्सीजन। जब भी कंबशन होता है, जब कोई भी कंबशन की रिएक्शन होती है तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है?
ऑक्सीजन के साथ होती है, देयरफॉर कंबशन इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ओके, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट. Yes, the reaction in which heat is given out or energy is given out, that is called an exothermic reaction. Third question is that what kind of flame is produced when unsaturated hydrocarbons are burned? Unsaturated hydrocarbons. When unsaturated hydrocarbon burns, then what happens? It gives Blue a smoothie. No, it gives the smoothie flame. Smoothie flame. And when the saturated hydrocarbons are burns, it burns with a blue flame. Okay. Therefore, the candle का हमने example दिखाया था. Candle burns with a blue flame, yellow flame, because the candle is unsaturated hydrocarbon. And the burner जो हमने gas देखा था, gas का burner, इसका जो flame था, वो blue color का था. तो इसका अर्थ है कि the blue color flame and it produces, it is a saturated hydrocarbon. हमें पता है कि हमारे सिलेंडर में जो गैस होता है कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन. तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन अल्केन से, अल्केन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम ऑफ द गैस बर्नर व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड? हमारे गैस बर्नर जो है इसमें जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें पता है वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? When there is the limited supply of oxygen, it also burns with a blue flame and it can produces the carbon black. Carbon monoxide is produced. Complete burning जब होता है तो carbon dioxide produce होता है, और incomplete और partial burning जब होता है, जिस समय हमें oxygen का supply कम होता है तो उसमें carbon monoxide produce होता है. तो यहाँ पे समझ में आया partial burning और complete burning. पार्शियल बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम है तो पार्शियल बर्निंग होती है, और ऑक्सीजन अगर सफिशियंट अवेलेबल है तो कंप्लीट बर्निंग होती है. कंप्लीट बर्निंग जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जब इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दैट कैन प्रोड्यूस द स्मोक. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन, अ नॉन मेटलिक केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल सी, is the basis for group 14 on the periodic table. Its atomic number is 6, and it has 6 protons and 6 neutrons. The electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. Carbon is tetravalent. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमें बाद में पढ़ना है. 1s2 यानी कि यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 टू सेकंड सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. मीन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स. इट विल नॉट डिसॉल्व इन और रिएक्ट विद वाटर, एसिड्स और मोस्ट अदर मटेरियल्स. नोइंग द बेसिक्स, let's now look at some of carbon's chemical properties. Carbon will undergo oxidation to yield carbon dioxide. Consider charcoal, which when burnt in sufficient oxygen will yield carbon dioxide. Burnt in insufficient oxygen, however, it will yield carbon monoxide. अब यहाँ पे फर्क देखिए, कार्बन यहाँ पे चारकोल है, कोयला जल रहा है, अगर उसे ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, अगर उसे ऑक्सीजन का सप्लाई कम है तो इट प्रोड्यूसेस द कार्बन मोनोऑक्साइड. अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तब स्मोक ज्यादा तैयार होता है. व्हेन रेड हॉट कार्बन इज ट्रीटेड विद स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्मड. अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कार्बन इज बर्निंग, अब वी हैव स्प्रिंकल द स्टीम ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर जो है इस वाटर स्टीम इसके ऊपर स्प्रिंकल किया गया है, तो इसकी वजह से क्या तैयार होता है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है. देयरफॉर द कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद द हॉट स्टीम ऑफ वाटर, इट फॉर्म्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. कार्बन
will form not only strong C2C single bonds as in alkanes such as ethane, but it will also form carbon-to-carbon double bonds in alkenes such as propene. Carbon-to-carbon triple bonds are common in alkynes such as butyne. Carbon has the ability to form long chains. Consider polyethylene, the most common plastic, which is made up of a long chain of carbon atoms attached to each other as well as to hydrogen atoms. While many elements such as oxygen, nitrogen, hydrogen, chlorine, or bromine combine as diatomic molecules, carbon can form a cage-like fused ring structure known as fullerene or buckyball. It has a molecular formula of C60. When carbon reacts with an element of similar size and electronegativity, covalent carbide will be produced. When silicon dioxide is treated with an excess of carbon at 2300 K, silicon carbide will be formed. Summary: carbon is a non-metallic tetravalent element with an atomic number 6. Carbon will become oxide when exposed to excess air and form carbon dioxide, and in insufficient air, carbon monoxide. Carbon can form long chains. कार्बन, इसमें क्या हमने क्या पढ़ा है कि कार्बन से व्हेन बर्न्स इन सफिशिएंट एयर इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है. एंड व्हेन इट रिएक्ट्स इन इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है. कार्बन सिंगल बॉन्ड तैयार करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन में, डबल बॉन्ड अल्किन में, और ट्रिपल बॉन्ड अल्केन्स में. यहाँ तक क्लियर है. कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है जिसमें डायमंड भी है, ग्राफाइट भी, और यहाँ पे फिलेरिन का एग्जाम्पल आया था. फिलेरिन इज कॉल्ड एज बकी बॉल, जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक अलग ही पैटर्न में एक दूसरे के साथ अलग अटैच होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल की तरह तैयार होता है. इसीलिए इसे बकी बॉल करते हैं. बकमिंस्टर फिलेरिन नाम याद रखना है, साइंटिस्ट बकमिंस्टर फिलेरिन. इसने एक डोम तैयार किया था और उस डोम का सेप और ये फिलेरिन बकी बॉल, ये मॉलिक्यूल है कार्बन 60 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल उसका सेप सिमिलर था, इसीलिए हम बकी बॉल कहते हैं बकमिंस्टर फिलेरिन के नाम से. तो अभी तक हमने क्या देखा है, कार्बन इज द टेट्रावेलेंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2-4, हम क्या करते हैं 2-4, और यहाँ पे सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6. कार्बन ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अनदर कंपाउंड्स व्हेन इट रिएक्ट्स. जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है. तो कार्बन फॉर्म्स द 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन फॉर्म्स द डबल बॉन्ड विद द कार्बन. अल्केन्स हमें पता है having the single covalent bond between the carbon atom is called as alkene. Alkene is the unsaturated hydrocarbons having the double covalent bond in between any two carbon atoms. कम से कम दो carbon atom में double bond होता है. और alkyne इसमें any two carbon atoms contains a triple covalent bond is called as alkyne. केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हमने कंबशन के बारे में पढ़ा है. कार्बन इज नॉन मेटेलिक, कार्बन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोवेलेंट है और टेट्रावेलेंट है. टेट्रावेलेंट है इसका अर्थ क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट मींस कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसका अर्थ क्या है, 4 वैलेंस. वेरी गुड, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. देन कार्बन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इन द कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन में, 6. इलेक्ट्रॉन्स 6 और न्यूट्रॉन भी सेम 6.
इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 14, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में है. ओके ग्रुप नंबर 14, पीरियड कौन सा है कार्बन का बता सकता है कोई? इन विच पीरियड कार्बन इज प्रेजेंट? थर्ड. नो, कार्बन इज प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड. ओके अब देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2, 4. तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने सेल में डिवाइड हुए? 2 सेल में, के एंड एल. देयरफॉर इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल, देयरफॉर कार्बन इज प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड. द नंबर ऑफ सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. इस सेंटेंस को याद रखना है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स जितने सेल में डिवाइड होते हैं दैट नंबर ऑफ सेल इज रिलेटेड विद इट्स पीरियड नंबर. जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281, तो इसमें 3 सेल में इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हुए हैं. सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स 3 सेल में डिवाइड हुए, देयरफॉर सोडियम इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड. सोडियम कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? थर्ड पीरियड में प्रेजेंट. अब केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है. व्हेन द कार्बन अंडरगोज द ऑक्सीडेशन इन इनसफिशियंट एयर, इट फॉर्म्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड इफ इट बर्न्स विद अ सफिशियंट ऑक्सीजन इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके बारे में हमने पढ़ा है. अल्केन एग्जांपल इज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्किन, जिसका एग्जांपल प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सीन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्काइन, एग्जांपल ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इथाइन. ओके, कोवेलेंट कार्बाइड सिमिलर साइज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स. कार्बाइड मीन्स कंपाउंड, जैसे हमने सिलिकॉन कार्बाइड का एग्जांपल पढ़ा था. सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन इट फॉर्म द सिलिकॉन कार्बाइड. और कार्बन 60, कार्बन 60 मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर है बॉल की तरह, केज लाइक रिंग स्ट्रक्चर और बकी बॉल हैविंग द 60 एटम्स ऑफ कार्बन इन अ सिंगल मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको अच्छी तरह से आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल, जिसमें यहाँ पे ड्रॉप हियर, यहाँ पे हमें फिल करना है कार्बन, इट फॉर्म्स सिलिकॉन कार्बाइड एंड सेकंड प्रोडक्ट क्या तैयार है? तो यहां पे क्या आएगा, दिस वन इज द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, वाटर, SO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड SC, सिलिकॉन कार्बाइड. सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन. नो, कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन की जब रिएक्शन होती है 2300 केल्विन इतने टेम्परेचर पे, इट फॉर्म द सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन कार्बाइड तो तैयार हो गया, और क्या तैयार होगा? वाटर तो तैयार नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें. Excellent. It forms carbon monoxide. This is the complete reaction when the silicon dioxide reacts with the carbon at high temperature to 2300 Kelvin. It forms silicon carbide and carbon monoxide gas is produced. अब second reaction देखिए, carbon reacts with which compound to forms the hydrogen gas? Hydrogen gas कब तैयार करता है carbon? कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद स्टीम ऑफ वाटर, जो हमने देखा था कोयला का एग्जांपल देखा था ना वीडियो में, कोयला जल रहा था और उसके ऊपर हमने स्टीम को स्प्रे किया था. व्हेन वी स्प्रिंकल द स्टीम, हॉट स्टीम ऑफ वाटर ऑन अ बर्निंग कोल एट दैट टाइम इट फॉर्म्स द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं और इसके साथ साथ क्या तैयार होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन ऑक्सीजन. हाँ,
तो ये रिएक्शन क्या बताती है, कार्बन नेवर रिएक्ट विद वाटर, कार्बन लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। हॉट कार्बन, इफ वी स्प्रिंकल द स्टीम ऑफ वाटर ऑन द हॉट कार्बन देन इट फॉर्म्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। ओके, अब देखिए इसके साथ साथ देयर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट वी हैव टू स्टडी। द नेक्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन। तो पहले समझ लीजिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कंटेन्स ऑल द एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट। क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट कंटेन ऑल द एटम्स इन बोथ रिएक्टेंट। तो एडिशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है सबको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे समराइज करते हैं हम, ए प्लस बी ड्यूस ए बी। तो इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होता है, तो प्रोडक्ट कंटेन्स ऑल द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, एक ही प्रोडक्ट तैयार होता है इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही प्रोडक्ट तैयार होता है और जिसमें जो है सभी रिएक्टेंट्स के एटम्स होते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो कॉम्बिनेशन, तो इसी को हमने हाइड्रोकार्बन में इसको अलग नाम दिया है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन भाग लेता है, सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच द इफ वी इथिन वेन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस, इथिन वेन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट प्लैटिनम और निकेल, इट गिव्स द इथेन, इट गिव्स द इथेन। अब इसको समझ लीजिए, इथिन, इथिन का फॉर्मूला पता है किसी को? कैन एनीबडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इथिन? ये सभी फॉर्मूले आपको अभी तक याद होने चाहिए थे। इथिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द डबल बॉन्ड, अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करना है इसके बारे में मैं अब थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब इथिन, किसी को फॉर्मूला नहीं आ रहा है? ओके सर, नहीं आ रहा है ना? C2H4 C2H4, वेरी गुड। अब देखिए इथिन, अब नाम क्या है, इथिन। अब इथिन जो है यहां पे ENE है, क्या है, ENE, इसका अर्थ क्या है, दिस इज द अल्कीन, ये क्या है, अल्कीन है। अब अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, ये जनरल फार्मूला याद रखना है। अल्केन का क्या है, CnH2n+2, अल्कीन का क्या है, CnH2n, और अल्काइन का क्या है, CnH2n-2। ये सभी जनरल फार्मूले आपको अभी आपको याद करना है, ये सब आपका होमवर्क में हो चुका है। अब देखिए इसमें रूट वर्ड दो है, इसमें ईथ और ईएनई दो, इसको हम कहेंगे ईथ एंड ईएनई। ईथ का अर्थ क्या है, टू कार्बन एटम्स। ओके, ईएनई का अर्थ क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इतना तो समझ में आ गया। अब दो कार्बन एटम, ईथ मीन्स दो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम से इथिन का इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें सी एन की जगह पे क्या डालना है, एन इज इक्वल टू टू, देयरफॉर C2H2n मीन्स 2 × 2, अवर फॉर्मूला बिकम्स C2H4। ओके, इतना समझ में आया, इस तरह से हमें फॉर्मूले तैयार करते आने चाहिए।
ओके अब इथीन जो है इसका फॉर्मूला है C2H4। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे निकालते हैं C डबल बॉन्ड C सी टू एच एच, यहाँ पे एच एच। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखता हूं एच एच मीन्स एच टू। ओके इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट प्लेटिनम एंड निकेल। अब क्या होगा यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस तरह के है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस हाइड्रोजन एटम्स गेट अटैच विद दिस कार्बन एटम, नाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। नाउ दिस डबल बॉन्ड इट हैज बीन ब्रेक, डबल बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कार्बन को अटैच होती है, क्योंकि ईच कार्बन एटम्स ऑलवेज फॉर्म्स द फोर बॉन्ड। नाउ द कंपाउंड फॉर्म इज इथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इथीन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अब देखिए वेजिटेबल ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट प्लेटिनम एंड निकेल, देन वेजिटेबल ऑयल गेट कन्वर्ट इनटू द वनस्पति घी, जिसे हम क्या कहते हैं, डालडा। तो इस तरह से डालडा बनता है वेजिटेबल ऑयल से। तो वेजिटेबल ऑयल जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वनस्पति घी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहां तक समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम एडिशन रिएक्शन में? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जब जहां यूज करते हैं वनस्पति ऑयल को डालडा में कन्वर्ट करने में, घी में कन्वर्ट करने, लेकिन हमेशा याद रखना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, वनस्पति ऑयल जो है ये हेल्दी होता है, ओके और वनस्पति घी जो डालडा होता है इट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज अनहेल्दी। ये क्या है, अनहेल्दी है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देयरफॉर अवॉइड टू ईट द वनस्पति घी, दैट इज द सैचुरेटेड ऑयल। सैचुरेटेड ऑयल और घी जो है वो हमें यूज नहीं करना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑयल और घी दैट वी यू आर यूज इन अवर किचन, इट इज ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हमारे अगर
कार्बन को